नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हो रही। कानून व्यवस्था सख्त होने के बावजूद भी महिलाओं और बच्चियों के संबंधित घटनाएँ कम नहीं हो रही हैं। अब ताज़ा घटना विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले आशेड़ा गाँव से है। वहाँ पर रहने वाले अमोल श्रवण पारदे नामक व्यक्ति ने अपनी ही सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म किया है। अमोल की सौतेली बहन उसके साथ ही आशेड़ा गांव में उसके घर पर साथ में ही रहती थी और वह काफ़ी समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस वजह से वह गर्भवती भी हुई और उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया। आरोपी अमोल पारदे और उसकी सौतेली माँ ने पीड़िता को जलगांव में इनकी दादी के पास भेज दिया, जहां पर पीड़िता से इस बच्चे के बारे में जब पूछा गया तब उसने अपना पूरा हाल बताया और फिर जलगांव पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। फिर उस शिकायत को, जो घटना आशेड़ा गांव से घटी थी, उसे विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन पर भेज दिया गया, जिसके आधार पर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन ने अमोल पारदे को गिरफ्तार किया है। अब आगे की जाँच विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन कर रही है। यातील जी पीड़ित मुलगी आहे ती आरोपीची सावत्र बहीण आहे आणि आरोपीने आपल्या स्वतःच्या सावत्र बहिणीशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि तिला गरोदर ठेवली। गरोदर राहिल्यानंतर ती प्रसूत झाली। प्रसूत झाल्यावर त्या बाळाला त्यांनी जळगाव जिल्ह्यामध्ये आपल्या आजीकडे सोडून आले आणि ते बाळ कुणाचं आहे यावरून तिकडे संशय निर्माण झाला म्हणून गावच्या पोलीस पाटलांनी जळगावच्या पिंपळगाव पोलिसांना तक्रार दिली। त्यांनी तिकडे गुन्हा दाखल केला व गुन्हा दाखल करून आमच्याकडे तपासाला पाठवला। आम्ही गुन्हा पुन्हा रजिस्टर करून आरोपीला अटक केली आहे व पुढील तपास करीत आहोत। आरोपी हा मजूर कॅटेगरीतला आहे आणि तो स्वतःच्या घरी राहत होता। त्याच्यासोबत त्याचे वडील, त्याची सावत्राई व बहीण राहत होती व बहिणीशीच त्यांनी शारीरिक संबंध, अनैतिक संबंध तयार केले व तिला फसून असा प्रकार घडवून आणला। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।